Hello children, today I am going to tell you about present perfect continuous tense. So look at the board. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. First of all, identification. How can we identify this tense? Identification. Identification. At the end of Hindi sentences, Hindi sentences, the words dear students, at the end of Hindi sentences के अंत में से रहा हूँ एक्सेट्रा कम हिंदी वाक्यों के अंत में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के लिए आप हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा हूं ये शब्द आएंगे. क्लियर. नेक्स्ट फॉर्मूला. फॉर्मूला इस टेंस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सीन्स प्लस टाइम. डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सीन्स प्लस टाइम. ओके, नाउ इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन एंड हैज बीन का यूज होगा. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव बीन एंड हैज बीन का यूज होगा. एंड फॉर एंड सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सीन्स का यूज SINC एंड पीरियड ऑफ टाइम के साथ में फोर का यूज. मैं आपको बताता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है. सबसे पहले एक रूल्स को समझ लीजिए. आई यू वी दे एंड प्लूरल. यदि सब्जेक्ट आई यू वी दे प्लूरल यदि सब्जेक्ट इसमें से है तो हैप्पी
वर्ब के रूप में हैविंग का यूज होगा. राइट डाउन योर नोटबुक ऑल्सो. आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैविंग का यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. एंड ही शी इट नेम ओके थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में has been. I, you, we, they, plural यदि सब्जेक्ट एक में से है तो हैप्पी वर्ड के रूप में इस टेंस के साथ में हैविंग का यूज होगा और सब्जेक्ट हमारा is, he, it, name इस थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैप्पी वर्ड के रूप में has been का यूज होगा. क्लियर? यस. नाउ आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जांपल फॉर यू. फर्स्ट वहां दो घंटों से क्रिकेट खेल रहा है. डियर स्टूडेंट्स, वहां दो घंटों से क्रिकेट खेल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस. वहां दो घंटों से खेल रहा है किस टेंस का सेंटेंस है? दो घंटों से रहा है मीन्स आप बोलोगे रहा है तो ये तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया. वहां दो घंटों से खेल रहा है, से खेल रहा है. डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस को पहचान करना बहुत ही इजी है. इस टेंस में हमेशा से रहा है होगा और टाइम के बारे में आपको दिया हुआ होगा. से रहा है प्लस टाइम. यदि सिर्फ होता वहां क्रिकेट खेल रहा है, यदि मैं इसमें से इसको हटा दूं कि वहां क्रिकेट खेल रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट. बट वहां दो घंटों से खेल रहा है प्लस से रहा है प्लस टाइम तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस हो गया. डियर स्टूडेंट, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इस सेंटेंस को हमें फॉर्मेट करना हुआ. हाँ, वहां दो घंटों से खेल रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है? वहां. तो वहां हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या राइट करेंगे? ही. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स. नाउ लुक हियर, वहां इसके बाद में क्या यूज करना है? हैविंग वर्ब. तो यदि हमारा सब्जेक्ट ही है तो इनके साथ में हैविंग वर्ब क्या आएगी? इस टेंस की अकॉर्डिंग हैज बीन. क्लियर? यस. ही has been, then verb first form plus ing. verb क्या है? खेलना. तो खेलने के साथ में playing की play के साथ में ing की जगह playing. he has been playing. क्या play कर रहा है? object क्या है? cricket. he has been playing cricket. अब आपको four और चीज पे use करना है. जब पॉइंट ऑफ टाइम में जो निश्चित समय होता है सर्टेन टाइम, उसके साथ में आपको सीन्स का यूज करना है. और जब टाइम ड्यूरेशन होती है पीरियड ऑफ टाइम के साथ में फोर मीन्स दो घंटों से, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है. यदि दो बजे से हुआ होता तो पॉइंट ऑफ टाइम होता दो घंटों से मीन्स ये क्या है? ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन के साथ में आप क्या लगाएंगे? फोर. ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट For 2 hours. Clear? He has been playing cricket for 2 hours. यदि इसको मैं वापस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाऊं तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. ये क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब. ये क्या हो गया? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जी. ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट. ये सीस और फोर दोनों में से आपने फोर यूज किया क्योंकि ड्यूरेशन है, इसलिए आपने फोर यूज किया. और ये क्या हो गया हमारा? क्लियर डिफरेंस?
नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं दो बजे से सो रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस रहा हूँ, से रहा हूँ एंड टाइम मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, टाइमिंग प्लस से रहा। यस, मैं दो बजे से सो रहा हूँ। आई के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हैव बीन। आई हैव बीन स्लीपिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग दो बजे से। फोर लगेगा या फिर सीज लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, दो घंटे से बोला होता तो फॉर दो बजे से मीन सीन्स आई हैव बीन, आई हैव बीन स्लीपिंग सीन्स टू ओक्लॉक। क्लियर? आई हैव बीन स्लीपिंग सीन्स टू ओक्लॉक। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हम सोमवार से एक गीत गा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, किस तरह का सेंटेंस है? मैंने बोला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, आपने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब हम पता करने की कोशिश करते हैं कि किस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा है, रहे हैं, तो इसमें भी रहा है, रहे हैं, लेकिन से रहा है, रहे हैं प्लस टाइम, टाइम मीन्स सोमवार से, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के फॉर्मूले के हिसाब से इस सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। हम सोमवार से गीत गा रहे हैं। वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैवी। वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे, सिंस क्लियर? वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे। स्टूडेंट, यदि मैंने कहा होता दो दिन से तो क्या होता? फोर। क्लियर? दो घंटे से फोर, दो बजे से सिंस, दो दिन से फोर, सोमवार से, मंगलवार से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो सिंस। दो महीने से फोर, और महीनों के नाम इज जनवरी, फरवरी, मार्च, यदि इस तरह से होता तो सिंस। क्लियर? ईयर में भी इसी तरह से, चार वर्ष से, पांच वर्ष से, दस वर्ष से, तो फोर। और मैंने बोला 1947, 1950, तो सीन्स। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आपको सीन्स का यूज करना है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आपको फोर का यूज करना है। अब इसी सेंटेंस को, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को मैं यदि नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मेट करने की कोशिश करूं, हम सोमवार से गीत गा रहे हैं, हम सोमवार से गीत नहीं गा रहे हैं, तो क्या होगा? वी हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस। क्लियर? हम सोमवार से गीत गा रहे हैं, वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे। हम सोमवार से गीत नहीं गा रहे, वी हैव
नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में क्या आ गया, नॉट, हैव और बीन के बीच में क्या आ गया, नॉट, वी हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे, क्या हम सोमवार से एक गीत गा रहे हैं, क्या हम सोमवार से एक गीत गा रहे हैं, have we been singing a song since Monday, have we been singing a song since Monday, क्या हम सोमवार से एक गीत गा रहे हैं, affirmative, negative, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, एंड नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक, नकारात्मक, वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वी हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, हैव वी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, हैव वी नॉट बीन सिंगिंग, एस आई एन जी आई एन जी, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस, क्लियर, यदि इसका मैं फॉर्मूला करूं तो क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी क्या हो गई हैव, हैव प्लस नॉट प्लस बीन, क्लियर, यदि हैज होता तो हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फोर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड देन, क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इफ आई से मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूं, आई एम गिविंग यू लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, मैं सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, या फिर मैं कहूं कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, स्टूडेंट्स मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, यदि मैं कहूं मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि रहा हूं हुआ, आया उसमें कोई टाइम का यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, टाइम के बारे में कोई चीज बता नहीं रखी, इसलिए बताइए मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आई एम रीडिंग अ बुक, लेकिन मैंने बोला मैं सुबह से, तो से पढ़ रहा हूं प्लस टाइम, इसका मतलब क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो इंग्लिश, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, दिस फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ टाइम मींस मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, इन सबके साथ में आपको इस टेंस के अकॉर्डिंग आपको सीन्स का यूज करना है, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, हैव आई not been reading English since morning. Dear students, if you will try again and again to make the sentences, definitely one day you will learn to make the sentence. So, if I say, Seema चार बजे से भोजन पका रही है, वेरी सिंपल, सीमा चार, मैं बोलूं कि सीमा भोजन पका रही है तो क्या हो जाएगा, सीमा भोजन पका रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो क्या करेंगे सीमा इज कुकिंग फूड, लेकिन सीमा चार बजे से या तीन बजे से, तो क्या हो गया से रही है प्लस टाइम,
टाइम प्लस से रहा है, से रहे हैं, से रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सीमा की वजह से बोलिए पका रही है, सीमा देन हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर से क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी इस टेंस के साथ में, क्या लगेगी बताइए, हैव बीन और हैज बीन, मंजू बताइए क्या लगेगी, बताइए, हैज बीन, यस वेरी गुड, हैज बीन, हमारे जो कैमरा मैन है वो हमें बता रहे सीमा हैज बीन, क्लियर, सीमा थर्ड पर्सन सिंगुलर से हैज बीन, सीमा हैज बीन मीन्स अब क्या लगेगा, सीमा हैज बीन क्या कर रही है, सीमा हैज बीन कुकिंग फूड, कब से बना रही है, 3 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बताइए, बताइए, यस यस वेरी गुड, बताइए, यस यस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम वेरी गुड, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया निश्चित समय 3 बजे, और मैंने कहा 3 घंटे से तो क्या हो जाता, पीरियड ऑफ टाइम, तो सीमा 3 बजे से भोजन पका रही है, सीमा हैज बीन कुकिंग फूड सिंस सिंस 3 o'clock, क्लियर, सीमा हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 3 o'clock, सीमा 3 बजे से भोजन पका रही है, इसी को हम नेगेटिव कर दें, सीमा 3 बजे से भोजन नहीं पका रही है, सीमा हैज नॉट बीन, सीमा हैज और बीन के बीच में नॉट आ रहा है, सीमा हैज Not been cooking food since 3 o'clock. क्या सीमा 3 बजे से भोजन पका रही है? Has Seema been cooking food since 3 o'clock? क्या सीमा 3 बजे से भोजन नहीं पका रही है? Has Seema not been cooking food since 3 o'clock? Dear students, it's very easy. Sentence को format करना बहुत ही easy है. But आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? Very good. Try. अगेन एंड अगेन, कोशिश बार बार करनी पड़ेगी, और यदि आप कोशिश बार बार करेंगे डेफिनेटली आप इन सेंटेंसेस को फॉर्मेट करना सीख जाएंगे। आपको यदि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर 9928487635 पे कॉल करके किसी भी चीज का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। टुमारो आई विल टेल यू अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।